वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। मैंने थोड़ी देर ही पहले मैंने एक मतलब पिछला एक वीडियो में मैंने बता दिया था कि बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस 16 मर्ज होने वाला है, और मर्ज होके ये कुछ मींस बिग बॉस ओटीटी का फिनाले नहीं होने वाला है, वो डायरेक्ट टिकट टू फिनाले होगा बिग बॉस 16 का, और डायरेक्ट ग्रैंड प्रीमियर में एंट्री मारेगा बिग बॉस 16 का। तो ये कुछ अलग ही लेवल का शो होने वाला है और पता नहीं क्या कैसा होने वाला है। तो कुछ ज्यादा अपडेट मिलेगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन इसमें जो कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आ गए अब एक साथ आ रहे, अब ऐसा नहीं आ रहे कि बिग बॉस 16 में ये है और बिग बॉस ओटीटी में, ऐसा नहीं, अब सब मिलके आ रहा है, ये ओटीटी और 16 दोनों में दिखेंगे, ऐसा आ रहा है। तो ये कुछ अलग ही फंडा चाली मेरे भाई। तो आप लोगों को मैं लिस्ट बता देता हूँ, फटाफट बताऊंगा, ज्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि अभी सबको पता है कि कौन क्या है, तो मैं उन लोगों का इंट्रोडक्शन देने का भी मतलब नहीं है, तो आप लोगों को फटाफट मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे जो बड़ी बात ये है कि शिवांगी जोशी का नाम आ रहा है। शिवांगी जोशी जैसे हम खतरों के खिलाड़ी में देख रहे हैं उसे, सर देख रहे नहीं रहे, खतरों के खिलाड़ी 12 में गए हैं अभी, और 2 जुलाई से अभी खतरों के खिलाड़ी कलर्स टीवी में आने वाला है, तो हम देखेंगे। तो शिवांगी जोशी का नाम आ रहा है बिग बॉस 16 में, तो इसकी एंट्री बिग बॉस 16 में होगी, नहीं कि ओटीटी में होगी। तो समझो ओटीटी खत्म होने के बाद वो डायरेक्ट 16 में दिखना चाहिए। मुनव्वर फारूकी का नाम आ रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन, लॉकअप का विनर मुनव्वर फारूकी, और सबका फेवरेट मुनव्वर फारूकी मिस कर गए थे खतरों के खिलाड़ी के शो, बट इस बार मिस नहीं करेंगे बिग बॉस का शो। तो इस बार मुनव्वर फारूकी आप लोग को दिखेंगे बिग बॉस 16 के शो में, ओटीटी में नहीं, 16 अभी ये जो नाम जो अभी आए 16 में ही बता रहे कंफर्म, क्योंकि ये ओटीटी का कंफर्म नहीं बता रहा है। और तीसरा नाम जो है वो है अंजलि अरोरा। अब अंजलि अरोरा का यहाँ पे ओटीटी में भी है और 16 में भी नाम है, तो ये ओटीटी से जम करके आ सकती है या तो फिर डायरेक्ट 16 में आ सकती है। तो टिकटॉकर बनी लॉकअप की सेकंड रनर अप हमारी अंजलि अरोरा, जो अंजलि केस में बहुत फेमस हो गई थी, तो इनका नाम है तीसरे नंबर, मतलब तीसरा नाम इनका भी आ रहा है। और एक जो है चौथा नाम जो नाम आ रहा है वो है आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी का पहले से नाम आ रहा था और इस बार कहीं ना कहीं कंफर्म लग रहा है, इस बार तो कहीं ना कहीं ज्यादातर कंफर्म है, क्योंकि एक यूट्यूबर को कहीं ना कहीं अभी बिग बॉस में घुसना ही है, घुसेगा। तो ये आशीष चंचलानी अब आप लोगों को दिखने वाला है यूट्यूब की दुनिया में। पांचवा नाम जो आ रहा है वो है भारती सिंह, कॉमेडियन, आप लोगों को पता है उसका हाई चांस है, हर सीजन में कॉमेडी करके चली जाती है और बोलती है मैं इस बार आने वाली, लेकिन इस बार जरूर आएगी इस बार, क्योंकि उनको बेबी हुआ है। बेबी होने के बाद, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टर्स होते इस बुरा मन मानो अगर जिसको बुरा मतलब मैं अपना एक फैक्ट बता रहा हूँ, ज्यादातर जो मतलब बेबी होते हैं, जो 1 साल का बेबी हो, तो उनको रख के बिग बॉस के शो या शो करने जाते हैं, और वहाँ पे जाके ज्यादातर बेबी को घर पे रख के आया, वो एक सिंपति कार्ड मिल जाता है। तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, मैं हेट वे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल से लॉजिक बता रहा हूँ इस भारतीय सिंह का ये सीजन में आने का। ये सीजन में नहीं आई, बच्चे को दिखी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आई तो फिर मैं जो बोला वही हो सकता है, क्योंकि एक सिंपति कार्ड जरूर मिल जाता है कि छोटे बच्चे घर पे फिर भी शो में आई है, फिर वन फैमिली वीक आता है जो बच्चे आ जाते तो फिर उसको देख के रोने वाला सीन को डालना, तो समझ रहे हो ना मेरे बात में जो बोलना चाहता हूँ। तो ये हाई चांसेस है भारती सिंह का। और 6 नंबर में जो है कश्मीर महाजानी, तो इनका नाम भी बिग बॉस 16 में आ रहा है और बहुत अच्छे से इनका बिग बॉस 16 में नाम आ रहा है। तो ये इनका जो है ये एक्टर है और एज अ कोरियोग्राफर भी है, ये बिग बॉस 16 और ओटीटी में भी आने का चांसेस है, बिग बॉस 16 में ज्यादा लग रहा है। और 7वां जो नाम आ रहा है वो है माही विज का नाम आ रहा है। माही विज इस बार बदला लेने आ रहा है जयशव जय भानुशाली का, तो जय भानुशाली को 16 में देख लेते, इस बार सॉरी 15 में देख लेते, तो इस बार 16 में जय भानुशाली हमें मिलने वाला है। तो वाइफ है जय भानुशाली का, मुझे बहुत पूछो। 8वां नाम जो आ रहा है बाय लॉकअप का एक और कंटेस्टेंट, वो है शिवम शर्मा, भूम भाम। तो भूम भाम यहाँ पे तहलका मचाएगा, भूम भाम का तो मैंने बहुत पहले मैंने बता दिया, वीडियो बना दिया था कि शिवम शर्मा बिग बॉस 16 में फाइनल हो रहे हैं और शिवम शर्मा आप लोगों को बिग बॉस 16 में दिखेंगे, मैंने बहुत पहले बता दिया था, और इस बार भी नाम इनका नाम आ रहा है शिवम शर्मा का। और अब जो नाम आ रहा है ये एक्चुअल में बिग बॉस ओटीटी में ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, वो है डेबिना बनर्जी।
देवेंद्र बनर्जी इंडियन एक्टर से रामायण में भी थी, तो ये इनका नाम पहला आ रहा है कि ये आएगी। और दूसरा नाम है बासिर अली। बासिर अली का वोट सबसे पहला, बहुत सबसे पहला जब बिग बॉस 16 चालू था तब से उसका नाम बता के ओटीटी में, मतलब बिग बॉस ओटीटी खत्म हो गया और बिग बॉस 15 चालू हुआ तब से इसका नाम डायरेक्ट ओटीटी सीजन 2 के लिए फंड हो गया था। तो बासिर अली स्पिट्स वाला के खिलाड़ी है, तो विनर है, तो उनका नाम आ रहा है। और फिर है के है जन्नत जुबैर, जो अभी रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी में, हम उनको देखेंगे टीम में जल्दी। और फिर नाम है खतरों के खिलाड़ी के सीजन 11 में जो विनर रह चुका वो है अर्जुन बिजलानी, उनका नाम है बिग बॉस ओटीटी में। तो ये सब ओटीटी के नाम है, ये 16 के नहीं है, तो ये ओटीटी में आ रहे। और फिर एक है सोनिया अयोध्या, अब इनका भी नाम आ रहा है, ये भी ओटीटी 16। ये ओटीटी का ज्यादा चांस है, सोनिया अयोध्या का नाम कसौटी जिंदगी 2 में थी है। और फिर एक नाम है दिव्यांका त्रिपाठी, ये भी 16 और ओटीटी में, दोनों में आने का इनका भी नाम है। और इस बार विनर बनने का चांस लग रहा है दिव्यांका त्रिपाठी का। और एक नाम जो आ रहा है मनमोहन दत्त, मनमोहन दत्ता जैसे हम उनको देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और साथ ही साथ में बिग बॉस 15 में भी आई थी, एक दिन का कुछ टास्क में आई थी, और उनके साथ एक और खिलाड़ी आए थे सुरभि चंदना करके, तो वो भी आ रही है, तो उनका भी नाम कन्फर्म हो चुका है, इनका नाम कन्फर्म हो चुका है सुरभि चंदना का बिग बॉस में। तो ये 16 नाम है जो मेरे पास अभी लिस्ट में है, तो ये रेडी 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 नाम है। अब इसमें जब किसको उठा के बाहर फेंकते हैं, किसको उठा के अंदर रखते हैं, और किसी और को बाहर से लेके आते हैं, क्या करते हैं, अपडेट आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर करो को। तो ये 16 नाम मेरे पास है, ये अभी सेफ रहेंगे, कोई निकलेगा तो मैं उसको कटआउट मार देगा, जो रहेगा वो मेरे डायरी में रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।